कान दिशा में लेकर चला रे डगरिया। ये गाना जब भी सुनाई देता है तो फिल्म नदिया के पार की याद आ जाती है, जिसकी कहानी एक लव स्टोरी थी जिसमें चंदन नाम का लड़का अपनी भाभी की बहन गुंजा से प्यार करता है, पर जब उसकी भाभी की मृत्यु हो जाती है तो गुंजा को चंदन के भाई से शादी करनी पड़ती है, पर जब उसके भाई को पता चलता है तो वो इन दोनों की शादी करा देता है। यही ट्विस्ट से भरी लव स्टोरी दर्शकों को बड़ा पसंद आई, जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो गई। वर्तमान में इस फिल्म को 29 साल हो गए हैं और इन बीते सालों में इस फिल्म के कलाकार काफी बदल भी चुके हैं, इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको फिल्म में काम करने वाले कलाकारों से रूबरू करवाएंगे, तो आइए जानते कौन है। नंबर 5, शीला डेविड। इस फिल्म में रज्जो का किरदार अभिनेत्री शीला डेविड ने निभाया, जो चंदन की बचपन की दोस्त होती है और उससे प्यार करती है, जिसे इन्होंने अच्छे से निभाया। और इस फिल्म के बाद इन्होंने अबोध, सदा सुहागन, नौकर, बीवी का और यस बॉस जैसी फिल्मों में काम किया, साथ ही मधुबाला और माता की चौकी जैसे टीवी सीरियल में भी काम किया। लेकिन इस फिल्म में रज्जो का किरदार निभाकर प्रसिद्ध हुई ये अभिनेत्री आज बदल चुकी है। आज ये 40 साल की हो गई है और थोड़ी मोटी भी हो गई है। वर्तमान में इन्होंने अपने अभिनय करियर को जारी रखा है और ये टीवी सीरियल संजीवनी में नर्स पिलो का किरदार करते हुए दिख रही हैं। वहीं अगर बात करें इनके निजी जीवन की, तो इन्होंने डायरेक्टर सुभाष शर्मा से शादी की, आज इनका एक बेटा भी है। नंबर 4, इंदर ठाकुर। अभिनेता इंदर ठाकुर ने इस फिल्म में चंदन के भाई ओमकार का किरदार निभाया, जो स्वभाव से काफी सीधे साधे होते हैं, जिसे इन्होंने अच्छे से निभाया। इसके बाद इन्होंने चटपटी फिल्म में काम किया। इस फिल्म को करने के बाद ये किसी और फिल्म में नहीं दिखे, क्योंकि एक प्लेन हादसे में इनकी मृत्यु हो गई और इस तरह ये दुनिया को अलविदा कह गए। अगर बात करें निजी जीवन की, तो इन्होंने अपने माता पिता द्वारा पसंद की गई लड़की प्रिया से शादी की, जो इनके जाने के बाद बिल्कुल अकेली हो गई। नंबर 3, मिताली। अभिनेत्री मिताली ने इस फिल्म में रूपा का किरदार निभाया था, जो चंदन की भाभी होती है। एक हादसे में इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने भाभी का किरदार अच्छे से निभाया और प्रसिद्ध हो गई। फिल्म को करने के बाद इन्होंने भाई अमर भाई और मराठी फिल्म झिनुक माला में काम किया। इस फिल्म को करने के बाद इन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली और अपने निजी जीवन में व्यस्त हो गई। इसके बाद इन्होंने कभी फिल्मों में वापसी नहीं की और हमेशा के लिए गुमनाम हो गई। नंबर 2, सचिन पिलगांवकर। अभिनेता सचिन पिलगांवकर ने इस फिल्म में चंदन का किरदार निभाया, जो फिल्म का मुख्य किरदार था। इस फिल्म में गुंजा से प्यार करते हैं वो, आखिरकार उनसे शादी करते हैं, जिसे इन्होंने अच्छे से निभाया और प्रसिद्ध भी हो गए। इस फिल्म को करने के बाद अवतार, घर द्वार, माँ बेटी जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, साथ ही ये तू तू मैं मैं जैसे सुपरहिट सीरियल में भी काम कर चुके हैं। इसी बीच इन्होंने अभिनेत्री सुप्रिया पिलगांवकर से शादी की, जिनसे इन्हें एक बेटी भी हुई। इस फिल्म में चंदन का किरदार निभाकर प्रसिद्ध हुए ये अभिनेता आज बदल चुके हैं। आज इनकी उम्र 62 साल है। ये थोड़े बूढ़े दिखाई देने लगे हैं, लेकिन फिर भी हैंडसम दिखते हैं। वर्तमान में इन्होंने अपने अभिनय करियर को जारी रखा है और हाल ही में आई वेब सीरीज सिटी ऑफ ड्रीम्स में दिखाई दिए हैं। नंबर 1, साधना सिंह। फिल्म में मुख्य अभिनेत्री गुंजा का किरदार अभिनेत्री साधना सिंह ने निभाया, जो चंदन की भाभी रूपा की बहन होती है और चंदन से प्यार करती है, जिसे इन्होंने अच्छे से निभाया और अपने इस किरदार से प्रसिद्ध हो गई। इसके बाद इन्होंने ससुराल और परिवार जैसी फिल्मों में काम किया। किस देश में है मेरा दिल, सारथी और फुलवा जैसे सीरियल में भी इन्होंने काम किया। इस फिल्म में गुंजा का किरदार निभाकर प्रसिद्ध हुई अभिनेत्री आज बदल चुकी है। आज ये 45 साल की हो चुकी हैं, पर पहले जितना खूबसूरत नहीं रही। वर्तमान में इन्होंने अपने अभिनय करियर को जारी रखा है और हाल ही में आई सुपर 30 फिल्म में नजर आई थी। वही अगर बात करें इनके निजी जीवन की, तो इन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर राजकुमार शाहबादी से शादी की, आज इनकी एक बेटी भी है। तो दोस्तों, आपको इस फिल्म में किसका अभिनय ज्यादा अच्छा लगा उसका नाम कमेंट बॉक्स में बता दो, और बॉलीवुड से जुड़ी मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।